हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या, एनर्जी है आपके पर्सन की अभी इस वक्त। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, कंफ्यूजन, 7 of cups। कई बार इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जिस कंफ्यूजन में है वहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार ये आपके फेवर में डिसीजन लेने की सोचते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन में है इनकी जो करंट एनर्जी है, वेटिंग फॉर समथिंग, सही डिसीजन लेने का इंतज़ार इन्हें है। हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाह रहे हैं। देखिए, ये ज़रूर इनके मन में आता है कई बार कि ठीक है, रिश्ता था ओके, प्यार था ओके, अभी भी है, लेकिन शायद हम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाएंगे, ये कई बार इनके मन में आता है। फिर ऑन द स्पॉट जैसे ही इनको ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, इनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी आने लगती है कि नहीं, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, इसको मैं किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहता, देख भी नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, तो ये एनर्जी है। फिर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इसके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन है, कभी ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। इवन आप भी नोटिस करते होंगे कि कभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है या कर रही है, बहुत सारे कमिटमेंट दे दिए, ब्लेसिंग्स आपको ऐसे लगी कि रिसीव हो गई डिवाइन की, आप दोनों का तो परमानेंट यूनियन हो गया, एंड देन सडनली आपके सामने से सारी चीज़ें बिल्कुल इल्यूजन की तरह गायब हो जाती हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है एनर्जीज़ में कि बहुत सारे लोगों से एनर्जी रेजोनेट की और उनका इंगेजमेंट भी फिक्स हो गया, इवन रोका भी हो गया जो बरक्षा होता है, एंड देन आफ्टर दैट फैमिली में कुछ ऑब्स्टिकल्स हो गई, फैमिली में आपस में बातचीत बंद हो गई, दोनों फैमिली सेपरेट हो गई, चीज़ें बिल्कुल तहस नहस हो गई, और जहाँ प्यार था वहाँ पर सब सारी 3D की चीज़ें इन्वॉल्व हो गई और चीज़ें ख़राब हो गई। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, बिकॉज आप दोनों का माइंड सेट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक परमानेंट यूनियन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगी, शादी के पहले या शादी के बाद, बट करेंगी। तो ये एनर्जी है, इसलिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लें और चीज़ें ख़राब कर लें। मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या मैसेज है जो अभी इस वक्त आप तक पहुंचाना चाहते हैं इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी। पहला मैसेज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए है कि आप दोनों के बीच में जो ज़्यादातर लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको तो पता भी नहीं है कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, मे बी आप बिल्कुल अननोन हैं इस सिचुएशन से, लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रॉब्लम फैमिली की तरफ से है, मतलब इनके परिवार का ही कोई सदस्य है जो जानता है आपके बारे में या इन्होंने उनको बताया है और उन्होंने इनको उल्टा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है कि नहीं, यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, तुम गलत दिशा में हो, ये टेम्प्रोरी अटैचमेंट होती है, टेम्प्रोरी अट्रैक्शन होता है, जैसे ही शादी होगी वैसी चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। तो इनके मन में जैसे कहते हैं ना, भ्रम भर देना, प्यार में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट कर देना कि नहीं तुम्हारी तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, या फिर कुंडली मिलाने का बात करना, कुंडली मिला के फिर चीज़ों को कह देना अरे नहीं नहीं ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस तरह से किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि आपके पार्टनर आप तक नहीं बता पा रहे थे। आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको पता चल सकती हैं।
दूसरा, आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हों, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के प्यार के, लेकिन स्टिल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है, कुछ ना कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो कि डिवाइनली गाइडेड है, और इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को भी भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो होगा भगवान की मर्ज़ी मानकर आप एक्सेप्ट करेंगे। ये यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है। अब इस मैसेज से आपको गुस्सा ये आएगा कि अगर भगवान भरोसे छोड़ना था तो प्यार का नाटक क्यों किया, इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया, या मैंने क्यों इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, भगवान की मर्ज़ी थी, भगवान अपने आप से लाइफ में ले आते, भगवान आगे चल के शादी कराते, तो तुमने इतने रॉन्ग कमिटमेंट्स क्यों दिए। कई लोगों को ये चीज़ें सही लगेंगी कि हाँ ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो सबकी अलग मेंटेलिटी होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। अब आपके पार्टनर के सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आपको उनके सोचने का तरीका सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। अगर सही लगेगा तो आप उन पर अग्री करोगे, गलत लगेगा तो आप उनसे झगड़ा करोगे। यहाँ पर ये वाइब्स नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैसेज है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का कि ये थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे हैं, इन्होंने कोशिश बहुत की बट थर्ड पार्टी से रिलीज़ होना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये आपसे बातचीत करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आपकी तरफ वापस आते हैं हमेशा, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। थर्ड पार्टी से इनकी खासा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल इनके मन में भाग्य यही है कि भाग्य में क्या आप हैं, आपका प्यार है, ये यूनियन आपके साथ चाहते हैं, परमानेंट यूनियन आपके साथ चाहते हैं, और ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने की। बट स्टिल अभी इस वक्त जो मैसेज है कि ही और शी इज़ स्टिल जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस, मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं और आपको लेकर पॉजिटिव हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर है बट इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है जो कि अननोन है, आपको नहीं पता है, आने वाले टाइम में खुद आपके पार्टनर आपको बताएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर का ये मैसेज है कि थर्ड पार्टी आपको पता है लेकिन ये अभी तक उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण ये आपसे दूर हो जा रहे हैं, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। वापस ज़रूर आएंगे क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं और यूनियन आपके साथ ही चाहते हैं, परिवार आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपको जस्टिस करेंगे, इनका निर्णय यही है, बिकॉज वी हैव जस्टिस एंड जजमेंट टुगेदर। तो अगर आप इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा अगर तुम थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाई हो या नहीं निकल पाए हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, मतलब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मेरे साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, मुझे क्या होप रखनी है, तो इनका जवाब होगा तुम्हारे साथ न्याय होगा। इनका यही निर्णय है कि थोड़ा समय लग सकता है बट न्याय तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम्हारी और मेरी जो डेस्टिनी है वो एक है। तो यही इनका जजमेंट है कि आप दोनों के बीच में सक्सेस मिलेगी, जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगी, तो सही समय आने का वेट करना पड़ेगा। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस। थ्री कार्ड्स मैसेज कार्ड में से हम लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है लेट्स हील टुगेदर। आप दोनों को बहुत दर्द मिले हैं लाइफ में और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे को तकलीफ़ और बढ़ाने की जगह एक दूसरे के दर्द का इलाज, दर्द की दवा बनने पर ज़्यादा फोकस करें। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। ये चाहते हैं कि आप दोनों ने एक यूनियन में आने के जो भी सपने देखे हैं उस पर एक साथ काम किया जाए तो ही सक्सेस मिल पाएगी। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। ये बार बार, जैसे मैंने कहा ना, ये कन्फ्यूज रहते हैं, कभी आपसे दूर जाने की सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है शायद ये रिश्ता हमारे लिए नहीं बना, फिर सडनली इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये तो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये आपको अपने आप से दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, इनको लगता है इनकी सोल चली जाएगी, ये बिल्कुल सोललेस हो जाएंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके प्यार में ये बार बार पड़ते हैं, बार बार मतलब कई बार ये आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, देन अगेन इनको आपसे प्यार हो जाता है। और लास्ट मैसेज है आई एम जस्ट योर्स स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है इन्होंने कई बार ऐसे कार्य किए हों जिसके कारण आपको इन पर बहुत शक होता है, और जैसे मैंने कहा कि ये कई बार ब्लॉक करके अपने आप को दूर करना, कोशिश करना दूर जाने की, तो मे बी आपका शक भी अपनी जगह सही होगा, आपको लगता होगा कि ये आते क्यों हैं और फिर चले क्यों जाते हैं, और अगर चले जाते हैं तो फिर ये आते क्यों हैं, तो आपका भी माइंड जो है वो शक क्रिएट करता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको ये बात क्लियर कर देनी चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, तो कुछ परेशानियाँ भले हों मैं क्लैरिटी दे दूँगा या दे दूँगी, लेकिन मुझ पर शक मत किया करो। तो ये इनका मैसेज है इस वक्त आपके लिए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ मैसेजेस के साथ।
वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो और आने वाले टाइम में कितने टाइम के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो जाएगी देख लेते हैं। कितने टाइम के अंदर, 7, तो ये 25 आवर्स से लेके 70 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो मिलते हैं दूसरी रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।